So, स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL Studio with Kulfat में, जहां पे आप लोग सीखने जा रहे हो कि आप किस तरीके से फ्रॉम रॉ फ्रॉम जीरो यानी कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक एक भोजपुरी म्यूजिक तैयार कर सकते हो, भोजपुरी सॉन्ग तैयार कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था भोजपुरी वाले वोकल को, आज हम लोग उस पर पूरा म्यूजिक बनाने वाले हैं। और एक बात, ये जो गाना है ना वो मॉडर्न भोजपुरी सॉन्ग है, तो इट मीन्स कि काफी हद तक समझो कि 90% तक हिंदी म्यूजिक से भी मैच करेगा। तो ये वीडियो को गलती से बिना स्किप या छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि मैंने ऐसा सिखाया है, मैंने ये सोच के सिखाया है कि सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस नहीं, जो नॉर्मल हमारे हिंदी ऑडियंस है वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। और बिलीव मी, आज आप लोग ना बस एंजॉय करने वाले हो, सीखने तो वाले ही हो बहुत चीज, लेकिन एंजॉय भी करोगे। बाकी मैं एक बात का गारंटी दे रहा हूं, आज क्या चैनल को तुम अनसब्सक्राइब कर देना अगर आज तुम कुछ नया सीख के नहीं जाते हो तो, जो कि ऐसा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मेरे को एकदम गारंटी पता है कि अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो ना, तो आप सच्ची में एकदम मेरे से ना प्यार कर बैठोगे और फैन बन जाओगे मेरे। सीधे बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, फर्स्ट हम लोग सुन लेते हैं कि हमने कल क्या काम किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि मैंने इसको कैसे रिकॉर्ड किया है वोकल को और किस तरीके से भोजपुरी टेक्सचर दिया रिकॉर्डिंग के पहले, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। और एक कांड हो गया, आगे जो रिकॉर्डेड था पार्ट उड़ गया मेरे से, गलती से उड़ गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इस म्यूजिक को आज कंप्लीटली तैयार कर दूंगा ना, मैं फिर से उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लूंगा। बाकी जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है इसकी, तो प्लीज जाके लास्ट वीडियो जरूर देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए एक बार सुन लेते कि क्या है। ओके, बहुत सारी गलतियाँ हो गई है मुझसे गाने में, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे तुरंत मेंटेन कर दूंगा। और अगर दोबारा रिकॉर्ड करने का नौमत आया तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। ऑल राइट, सो आज का लेक्चर जो होने वाला है, एक्चुअली लेक्चर नहीं होने वाला है, मस्ती होने वाला है आज आप लोग को। पहली बार ना मज़ा आने वाला है मेरे चैनल पे, अभी तक जो बोर होते आ रहे थे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ सब ओके ना। हाँ ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, जो भी मैं म्यूज़िक बनाऊँगा उसे मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये देखो, वाइट प्लग भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं बेस को भी डिलीट कर रहा हूँ, बस मैं कॉर्ड्स को रहने दूंगा। ऑफ कोर्स इस कॉर्ड्स पर रिकॉर्ड हुआ, मैंने कॉर्ड कैसे बनाया है आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो इस गाने का, ठीक है। बाकी मैं इस किक को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये सारे तो वोकल्स हैं मेरे ख्याल से, सो मैं इसमें से एक वोकल रखूँगा, ये वाला रख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं वोकल्स। ओके, बाकी सारे को मैं डिलीट कर देने वाला हूँ लाइक दिस। चलो ओके, सो ये अपना ट्रैक है। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, गम हमरा जैसन तू सबू का, जान से ज्यादा माने नी तो। बिना ऑटो ट्यूनर के बहुत भद्दा लग रहा है यार। ऑफ कोर्स ऑटो ट्यूनर पे रिकॉर्ड हुआ है, उसी पे ये जमेगा, है ना। सो मैं एक सोच रहा हूँ कि ऑटो ट्यूनर लगा ही दूँ शुरू में ही वोकल पे, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ वोकल्स, एंड इससे ट्रैक वन पे ले आते हैं, और यहाँ पे हम एक ऑटो ट्यूनर डाल ही देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे को खाली खाली लग रहा है। सो ए माइनर के अंदर हमारा गाना था, जहाँ तक मेरे को याद है, ए माइनर यहाँ पे हम सेलेक्ट करके फ्लेक्स ट्यून थोड़ा बढ़ा देते हैं। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, हल्का फुल्का जो इसका पिच ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, वो भी लास्ट में मिक्सिंग मास्टरिंग के सेशन में वो सही हो चुका होगा। अगर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, सो मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूज़िक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज का क्लास बोर्डिंग क्लास नहीं होने वाला है, आज का क्लास मास्टर ब्लास्टर क्लास होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। अब हमें ना स्टार्ट करना होगा म्यूज़िक बनाना। मैं कॉर्ड्स को सबसे पहले म्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, इतना ही एरिया मैं रखूँगा। और ये कंप्लीट सॉन्ग होने वाला है, ये नहीं सोचना कि इतना सा वोकल है तो इतना पे ही मैं बना दूंगा, नहीं, कंप्लीट सॉन्ग होगा ये, ठीक है। मैं 8 बार्स का इंट्रो रखूँगा, ठीक है। सो 1 to 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर 5 6 7 8, ऐसे करके 8 बार का मैं इंट्रो रखूँगा, यानी कि 2 इस तरीके से पैटर्न को मैं इंट्रो में रखूँगा, ठीक है। सो क्या ये रहेगा इंट्रो? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लग डालूंगा। ऑफ कोर्स अगर हम मॉडर्न भोजपुरी सॉन्ग बना रहे हैं आज के समय का, सो हम लोग को प्लग एक मतलब काफ़ी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छा साउंड करा सकते हैं। आज के समय का इंस्ट्रूमेंट की तरह साउंड उसे कराया जा सकता है, सीरम वाले प्लग का यूज़ करके या किसी भी प्लग को यूज़ करके, ठीक है। आप चाहो तो FL Studio का स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हार्मर। देखो जैसे ये मेरा ट्रायल में है, मैंने इसका डेमो वर्जन डाउनलोड कर रखा है, ये कहता है कि 20 मिनट तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्लगइन को, फिर मेरे को री ओपन करना होगा प्लगइन को, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोई प्लग सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी ये वाला कैसा है, डार्क प्लग, चलो अच्छा है ये। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हमने कल कॉर्ड्स बनाए थे ना, इसी कॉर्ड्स को अपन कॉपी कर लेंगे, और नेक्स्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न 2, ओके पैटर्न 3 में जाके
यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, एक ऑक्टेव नीचे कर सकते हैं, एक ऑक्टेव नीचे कैसे किया, कंट्रोल और डाउन। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अब इसे छोटा कर देते हैं एंड एक रिदम क्रिएट करते हैं, टंग टंग टंग, पूरा कंटिन्यू रखते हैं। ओके, इन्वर्जन्स करते हैं। जैसे इन्वर्जन्स क्या हो गया, ये नीचे वाले जी पे है ना, जी फोर पे, तो मैं ऊपर वाले जी पे डाल दूंगा इस नीचे वाले नोट को, तो ये फर्स्ट इन्वर्जन हो जाता है। सो लेट्स सी, सुन के देखते हैं कैसा लगेगा। नहीं जमा, एक बार इस एफ वाले को करके देखते हैं ऊपर। ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा था, है ना, सो इस पार्ट को रहने देते हैं। ठीक है, सो ये अपना हो गया प्लक, और मैं इसे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ मिडी के फॉर्मेट में, क्योंकि मे बी प्रोजेक्ट फाइल हमारा बड़ा हो सकता है, ऑटोमेशन वोटोमेशन अगर हमने यूज़ किया तो। ठीक है, काफ़ी प्रोफेशनल मैं बनाने वाला हूँ म्यूज़िक। ठीक है, सो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्लक, और इसे एक कलर दे देते हैं, रेड दे दिया, और इसे मैं कर दूंगा पहले ही रेंडर एंड रिप्लेस स्टार्ट। ठीक है, सो हमने जो प्लक बनाया वो इस जगह पर आ चुका है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे डबल क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से नहीं राउट करूँगा, मैं अब राउट राइट क्लिक करूँगा इस ट्रैक 3 पे, और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ट्रैक मोड में, ऑडियो ट्रैक में, देन मैं यहाँ पे असाइन करूँगा मिक्सर में, ये मिक्सर का है। ठीक है, तो मैं सेकेंड नंबर पर डाल देता हूँ, तो देखो इस जगह पर हमारा प्लग आ चुका है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर पर, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑटो नेम क्लिप्स कर देते हैं। ओके सॉरी, ऑटो नेम ये, हाँ सिर्फ ऑटो नेम। सो यहाँ पे भी ये प्लग के नाम से आ चुका है। अब क्या हम अपने प्लग को ऐसे छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। यही फ़र्क होता है एक नूब और प्रो में। लोग ना नॉर्मली जो नूब होते हैं वो क्या करते हैं ना कि बस म्यूज़िक बना के छोड़ देते हैं, उसके डेप्थ के बारे में नहीं समझते। हम यहाँ पे रिवर्ब के साथ काम कर सकते हैं, इक्वलाइजर के साथ काम कर सकते हैं, पहले ही म्यूज़िक प्रोडक्शन, ये मिक्सिंग नहीं हो रहा, ये म्यूज़िक प्रोडक्शन में इतना काम होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर दूंगा। थोड़ा कम कर देते हैं और एक EQ ले लेते हैं। यहाँ पे आए, लो पास फिल्टर करेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे। देखिए, इस टाइप का चलेगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से मूव करेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा धीरे धीरे, मतलब जब हाई फ्रिक्वेंसी इंटर करेगा हमारे म्यूजिक के अंदर, लाइक दिस, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे थोड़ा टाइट भी कर सकते हो स्टीप 6 करके। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मैं इसे डी अटैच कर देता हूँ ताकि आप देख सको कि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। ठीक है, भोजपुरी वाले का तो बल्ले बल्ले हो गया होगा यार, है ना। इतना डीप लेक्चर तो लगता है कि हम हिंदी सॉन्ग्स में भी नहीं दिए हैं। चलो, यहाँ पे जो हमारा ये वाला बैंड है, थर्ड नंबर, थर्ड कौन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला बैंड जो है ना, थर्ड, ओ थर्ड के साथ नहीं, सॉरी सेवन्थ के साथ कर रहे हैं ना, तो सातवा बैंड ये है, ये वाला। ठीक है, ओके, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑटोमेशन, और मैं क्या करूँगा, इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे उठा दूँगा। अब देखो क्या होगा, थोड़ा बीच से ना ऐसा कर देते हैं, धीरे धीरे उठे। EQ की तरफ नज़र डालिएगा। अच्छा लग रहा है ना। अब इस प्लग को कंटिन्यू कर देते हैं और आगे की ओर देखते हैं। तोहरा बिना रहे। ओके, ये बीट पे है कि नहीं पता नहीं, बाद में ये सब देखा जाएगा यार, अभी हम लोग म्यूजिक पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो मैं यहाँ प्लग को अभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, अभी भी मैं इसके साथ कुछ कलाकारियाँ करूँगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे रिवर्ब डाल दिया, हाँ, थोड़ा और इसे खूबसूरत बनाने के लिए, हाँ ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। ठीक है, सो मैं धीरे धीरे इसके वेट लेवल को बढ़ा सकता हूँ या तो घटा सकता हूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ, लेट्स सी क्या किया जा सकता है।
उल्टा है क्या? ओके, सो ये सब कलाकारी आप कर सकते हो, वेट लेवल छेड़ सकते हो, डीके टाइम छेड़ सकते हो, है ना? चलो डीके टाइम छेड़ते हैं, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप एंड मैं इसे मान लो कि कर देता हूँ यहाँ पे, देखो हिंट पैनल देखना, हिंट पैनल अगर मैं इसे 4 सेकंड कर दूँ, ठीक है, 4 सेकंड या 3.9 सेकंड ऑलमोस्ट अगल बगल है, लो परफेक्ट 4 सेकंड ही हो गया। यहाँ मैं कर लूँगा कॉपी वैल्यू और मैं यहाँ पे लाके इसे कर दूँगा पेस्ट वैल्यू। चलो शुरू में पेस्ट वैल्यू कर देते हैं, उल्टा करेंगे, है ना, पेस्ट वैल्यू और यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कम धीरे धीरे कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा क्या, देखते हैं, नहीं उल्टा करके देखते हैं। सो यहाँ पे पेस्ट वैल्यू एंड थोड़ा यहाँ से अपन कम कर देंगे, थोड़ा कम, थोड़ा कम, हाँ जी, तोहरा बिना रहे नहीं रह। नाउ वी विल क्रिएट द लीड, कुछ लीड बना देते हैं अच्छा सा। सो आई डोंट नो कि क्या बनाया जा सकता है, बट लेट्स ट्राई, कुछ अच्छा बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लीड बहुत मायने रखता है म्यूज़िक के स्टार्टिंग में, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया ऐसी दुनिया है कि अगर आप शुरू में लोग को इंटरेस्ट नहीं दिलवाओगे अपने ट्रैक में, अपने वीडियो से, अपने गानों से, सो फिर लोग पूरा गाना नहीं देखने वाले। तो ठीक है, मैं कोई लीड लेता हूँ, लाइक स्वर प्लग का कुछ ले लेता हूँ। ये सब VSTs आप भी ट्राई मार सकते हो, ढूंढो, ट्राई करो, बहुत ही काम का VSTs है ये सब, ये इंडियन VST है। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर वीना है, तुम भी है, सहनाई, सहनाई या बीन, सहनाई, ऑलराइट, सो इस पे भी कुछ बना के देखते हैं। तो मैं न्यू पैटर्न लूँगा, या तो मैं कॉर्ड्स में ही आ जाऊँगा, या तो मैं न्यू पैटर्न ले लेता हूँ। ओके, सो मैं पहले ही आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग जिस स्केल में गाना बना रहे हैं ना, ए माइनर स्केल में गाना बना रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने ए माइनर इसलिए ही सेलेक्ट किया है कि सारे नोट्स इसमें, जो भी वाइट नोट्स है, वाइट, ये काले वाले कोई नोट नहीं है, जो ब्लैक नोट्स देख रहे हो कोई नहीं, जो वाइट नोट्स है सिर्फ उन नोट्स पे आप कहीं भी ड्रॉप कर दो, वाइट वाले पे, तो आप जो भी यहाँ ड्रॉप करोगे वो म्यूज़िक आपका परफेक्ट रहेगा ए माइनर स्केल के अंदर, इसलिए निश्चिंत होकर कहीं भी ड्रॉप करो, ठीक है। ओके, मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और कुछ बना के देखते हैं, इसे पहले बड़ा कर देते हैं। देखो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया मेरे में, ये पता नहीं क्या ये भुक 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 करता रहता है, मेरे को भी समझ नहीं आता है, कुछ देखते हैं अच्छा बना के, इस तरीके से मेरी अच्छा लगे। और इतना छोटा छोटा मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ ताकि मेरे नोट्स मैं फ्रीली कहीं भी मूव कर सकूँ, और या तो उसे मैं छोटा या बड़ा अपने अनुसार मैं कर सकूँ। ओके, लेट्स सी, ब्लैक नोट्स कोई नहीं, ओके, लेट्स सी, सेकंड कॉर्ड हमने क्या लगाया था, जी लगाया था ना, हाँ जी मेजर लगाया था, तो जी से मिलता जुलता कुछ नोट्स हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं, जी बी डी, जी मेजर कॉर्ड्स में जो होता है। ओके, सो ये पकड़ा, ज़रूरी नहीं कहीं भी वाइट नोट्स पे डालो, अगेन मैं वही बात बोलूँगा, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सुनते हैं। हाँ सही है, नहीं जमेगा और जमाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। ओके, सो अगेन अब हमारा जो थर्ड आएगा नोट वो क्या है, एफ, एफ लगा देते हैं, सारे वाइट नोट्स है, ठीक है, जितने भी है सारे, देखो यहाँ पे एक शार्प नोट लग गया है ना, यहाँ पे भी शार्प काला नोट है, इसको ऐसा कर देते हैं। ओके, एंड चौथा कॉर्ड क्या था अपना, फिर से जी था, सो मैं जी को ही कर दूंगा, थोड़ा वेरिएशंस
डाल दूंगा लीड में, पकड़ा और जी वाले को ही रख दिया, एंड लास्ट नोट में कुछ वेरिएशंस। और कैसा होगा कि अगर इन सबको मैं बहुत छोटा कर दूं, और भी छोटा। ओके, सभी को सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट दबा के अपन छोटा कर देते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके साथ भी अगर कर दें इस चीज़ को, तो छोटा और एक नोट यहाँ डाल के कुछ छोटा छोटा। छोटा करके ठीक है, नॉट सो बैड। ठीक है, ऑल राइट गाइज। सो अब अपन ना इसको रेंडर एंड रिप्लेस कर देंगे। इस पर क्लिक किया एंड इसे रीनेम कर देते कि हमने शहनाई बनाई है, एंड इसे कलर देना तो बनता है भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं। शहनाई, और इसे रेंडर एंड रिप्लेस कर देते ताकि ऑडियो के फॉर्मेट में आ जाए। चलो ये तो आ गया, अब इसी को कंटिन्यू प्लेस कर देंगे। अब इसके साथ भी कलाकारी करेंगे, ठीक है। पहले इसे मिक्सर पर डाल देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ ट्रैक मोड में आए, ऑडियो ट्रैक में आए, एंड अगेन थर्ड नंबर खाली है अपना, ये दोनों भर चुका है, थर्ड पर आ जाते हैं। ऑटो नेम, ताकि नाम भी यहाँ भी रखा जाए और यहाँ भी रखा जाए, ठीक है। अब धीरे धीरे इसे उठाते हैं। ठीक है, मैं EQ लूँगा, एंड अगेन मैं कुछ वैसा ही ट्राई मारने वाला हूँ जो लास्ट टाइम मैंने मारा था ट्राई। तो पहले देख लेते हैं कि कैसा होगा। कट किया, इसे पकड़ा, लो स्टीप 8 कर देते टाइट, है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा। ओके, सो इस पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड ये लास्ट में जाते जाते ऐसा हो जाएगा थोड़ा कम, और अगेन वही चीज़ होगा जो पिछले वाले प्लग के साथ हो रहा था ना, इस पर डी अटैच कर देते हैं, एक अच्छा टोन हो जाएगा। सिर्फ म्यूज़िक मेलोडी बना देने से नहीं होता, ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज़ सीखना मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी क्लास में ना बहुत इन डेप्थ जाके हुए, मतलब हम लोग सिखाते हैं। खुद सोचो, यूट्यूब पे उतना टाइम नहीं होता कि हम आपको 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा दे सके। सो वहाँ पर डे 2 घंटा क्लासेस चलता रहता है, हर रोज़ चलता है, वहाँ पे हम हर एक चीज़ आपको सिखा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा लिमिटेशंस है कि इन साउंड्स का यूज़ करोगे तो कभी कॉपीराइट आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। सो बहुत चीज़ें खुल के नहीं बता पाते जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, बाकी अगर आप लोग को लगता है कि यस आप लोग को एकदम दिल से सीखना है, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी यहाँ पे सीखो, ये भी बहुत काम का है। देखो अभी क्या होगा यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिवर्ब भी डालना पसंद करूँगा, एक रिवर्ब ले लेते हैं, एंड इसे लार्ज हॉल में डाल देते हैं। लार्ज हॉल बड़ा साउंड करेगा, अच्छा लगेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड मैं 4 सेकंड यहाँ पे रखता हूँ। हिंट पैनल में दिखता है, ये हिंट पैनल है ना, इसमें दिखता है जब हम करते हैं तो। एंड इसको मैं कॉपी वैल्यू कर दूंगा। सो पहले मैं यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दिया हमने कि 4 सेकंड से शुरू हो और धीरे धीरे हमारा रिवर्ब कम हो जाए, ठीक है। इस जगह पर आते आते बहुत कम भी नहीं करना है, तो बहुत कम कर दिया मैंने, एक फील आएगा ट्रैक का। चलो ठीक है, देख लेते हैं। आप सुन पा रहे होंगे कितना सही एम्बियंस लग रहा है। तोहरा बिना रहे यार, चीज बन गया यार, इंट्रो तो अच्छा बन चुका है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा ना डीले डाल सकते हैं मूवमेंट लाने के लिए।
तो डीले 3 भी यूज़ कर सकते हैं, डीले 2 भी, ये बड़ा आपकी चॉइस होती है कि क्या आपको सेलेक्ट करना है। सो आप डीले 2 भी जम के यूज़ कर सकते हो, 3 भी यूज़ कर सकते हो, बैंक भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो बैंक भी करता हूँ, एज़ योर विश, जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं डीले का ऑटोमेशन इससे कर दूंगा कि कितना, मतलब वेट लेवल क्या होता है कि कितना परसेंट डीले चाहिए, ठीक है, ये वेट लेवल है, वेट लेवल का कितना इफेक्ट आपको परसेंटेज में चाहिए, वो रिवर्ब हो, डीले हो, कुछ भी हो, वहाँ एक ड्राई सिग्नल एक वेट सिग्नल होता ही होता है, तो इसमें कितना डीले आपको चाहिए। अगर मैं बंद कर दूंगा तो कोई डीले नहीं, और बढ़ा दूंगा तो, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ना कम कर देता हूँ, लाइक मैं 30% के अराउंड रखता हूँ या 50 रखूँ, 50 रखता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ना क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दूंगा, इस पर भी ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे ना कम कर देंगे हम लोग, यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से कम कर देंगे, अच्छा लगेगा। ऑल्ट पकड़ा, या पूरा कम नहीं करते हैं, हल्का यहाँ तक आने देते हैं अपना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो बेहतर है ना। अब देखते हैं, तोहरा बिना रहे, क्या बात है यार, क्या बात है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि सच्ची बहुत ही अच्छा बन रहा है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा ना कि प्लग से स्टार्ट हो रहा है अपना, तो कुछ बेस भी डालते हैं, बेस जलेगा तो थोड़ा दम आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ना सब बेस यूज़ करने वाला हूँ, सब बेस। सो लेट्स सी, सब बेस आपको फ्लेक्स के अंदर भी मिल जाएगा, फ्लेक्स जो इंस्ट्रूमेंट है अपना उसके अंदर भी मिल जाएगा। ऑल में आते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं सब बेस। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी कि जो हमारे कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इसी कॉर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सब बेस मिला के अगले पैटर्न में पेस्ट कर देते हैं, और ऊपर के ना कुछ नोट्स को हम हटा देते हैं। पता नहीं ये क्या ब्लिंक करता रहता है यार मेरे पीसी में, हम एक बार दिखवाएंगे, इसी रिकॉर्डिंग को दिखा के दिखवाएंगे जो भी एप्पल के इंजीनियर्स होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, सो मैं इसे एक ऑक्टेव नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब A5 से मैंने A4 पे कर दिया। एंड मैं यहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये अपना सब बेस है, और मैं इसे एक कलर दे दूँगा, लाइक येलो दे दे, येलो येलो डर्टी फेलो। एंड इसे रेंडर एंड रिप्लेस ज़रूर कर देंगे, मेरे को कोई भी यहाँ पे MIDI फॉर्मेट में नहीं चाहिए। देखो कैसा है, यहाँ देखने में भी पता चल रहा है कि किस तरीके का है, तो देख के भी आपको साउंड के बारे में बहुत अनुमान लग जाता है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देन इसे भी मैं किसी ट्रैक पे असाइन करता हूँ, ट्रैक नंबर 4 में, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑटो नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ना अपन ट्रैक को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे पहले कम किया साउंड को, अब धीरे धीरे उठाएंगे। ओके, अब जैसा आप सुन पा रहे होंगे कि जो बेस का आवाज़ है ना, ये एक ऑक्टिव और नीचे आना चाहिए। सो मैं इसे एक ऑक्टिव नीचे कर देता हूँ, लाइक अगर मैंने इसे 1200 सेंड कर दिया, ज़्यादा हो जाएगा क्या? तोहरा बिना रहे नी रहबु का, गम हमरा जैसन तू सहबु का, जानस। ऑल राइट, सो बेस से मैं कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल जेड 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 कर दूंगा। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो मैं सेम चीज़ को यूज़ नहीं करता, ठीक है, सेम प्लगइन पे नहीं रहता, मैं तुरंत स्विच करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ बू बेस, जो एफएल का स्टॉक प्लगइन है, मिड्स कम ट्रेवल कम, बेस एकदम फुल कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे नेम कर देता हूँ सिर्फ बेस से, क्योंकि ये सब बेस नहीं है। अब मैं इसे ट्रैक मोड असाइन एंड लेट्स सी 4 नंबर पर डाल दिया, और मैं इसे कर दूँगा ऑटो नेम, ठीक है, अगेन वही चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब एक बार पहले ना सुन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तोहरा बिना रहे, ये 4 नंबर पे आ क्यों नहीं रहा, चलो ठीक है आ गया। तोहरा बिना रहे नी रहबु का, गम हमरा जैसन तू सहबु का, इतना प्यारा लग रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं बेस के साथ एक क्यों करूंगा, खैर यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अगर यहाँ सब रीज़न में भी अगर रहता है बेस तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, बाद में मिक्सिंग में देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी तक मेरे को ये चीज़ पसंद आ रहा है, एंड आई कैन डू कि मैं इसको रेंडर एंड रिप्लेस कर दूँ,
एंड स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, सो ये अपना बेस हो गया और इस बेस को हम लोग 4 नंबर पे डाल देते हैं। ऑलरेडी डला है क्या? लग तो रहा है, हाँ डला है। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, गम हमरा जैसन तू सबू का, जान से ज्यादा माने नी तोह के, जैसन हम चाहे नी तू चहबू का। कुछ इस टाइप का आएगा तो मज़ा आएगा, बट वी आर गोइंग टू फिल दिस थिंग्स, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा फिल नहीं हुआ है, इस जगह को हम लोग पूरा फिल करेंगे। ठीक है, सो क्या इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया जा सकता है? लाइक अपन पियानो भी डाल सकते हैं, है ना? सो पियानो डाल सकते हैं, गिटार डाल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करेंगे। ठीक है, ओके, सो मैं पियानो के लिए जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हमने पियानो ले रखा था ना मॉडल डी, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पियानो सिंपल रखेंगे, ये पकड़ा, छोटा किया एंड लाइक दिस यहाँ पे कॉर्ड्स को ना पुट कर दिए। तोहरा बे ता ता कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, गम हमरा जैसन तू सबू का, जान से। क्या बात है यार, चलो इसको भी रेंडर एंड रिप्लेस कर देते हैं। बहुत सुंदर, इसे पकड़ा और इसे नीचे उठा के ले आते हैं। सो एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाना पड़ता है, भरना नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है। और यार ये क्यों टिक 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 कर रहा है स्क्रीन मेरा, ऐसे तो यार मन ख़राब कर देगा ये। चलो 5 नंबर में डाल दिया कॉर्ड्स को, यहाँ मेंशन कर देते हैं कॉर्ड्स एंड यहाँ पे एक इक्वलाइजर लेके अगेन सेम काम कर देते हैं, लो पास फिल्टर एंड तोहरा तोहरा तोहरा। चलो ठीक है, इस पर क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दिया एंड इस वाले को पकड़ के यहाँ पे आके एकदम यहाँ इस तरीके से कर देंगे। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, गम हमरा जैसन तू सबू का, जा तोहरा बिना। ओके, थोड़ा और ये नीचे आएगा, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, चलो बहुत ही सुंदर। तोहरा बिना रहे नी एंड मैं इस पे ना स्टीरियो इन्हेंसर लगा देता हूँ, स्टीरियो इन्हेंसर अपने कॉर्ड्स पे लाइक दिस। तोहरा बिना रहे नी रहबू का, हेडफोन्स में सुनिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा ना रिवर्ब भी डाल देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा जैसा मैंने बोला कॉर्ड्स पे रिवर्ब वगैरह डालेंगे। सो ये अपना कॉर्ड्स है और मैंने ऑटोनेम कर रखा है यहाँ पे, ऑटोनेम कर देते यार, ऑटोनेम ठीक है, हाँ। सो ये हम अब क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्ब डाल देते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि स्टीरियो एनहांसर अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दूँ या हटा दूँ, और मैं आगे जब बढ़ूंगा ना तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टीरियो एनहांसर डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी रिवर्ब डाल देते हैं ताकि ये अच्छा परफॉर्म करे एंड लेट्स सी कि कैसा होने वाला है। इसे मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे वेट लेवल बढ़े, तो राइट क्लिक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, किस पे हो रहा है भैया? तो यहाँ देख लीजिए कॉर्ड्स पे हो रहा है, यहाँ पे लिखा रहता है कॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ कॉर्ड्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड्स का आपका लग गया वेट लेवल, अब सुनेंगे कि कैसा बनाना है। देखें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रूम अगर इसका बड़ा कर दे तो, है ना, थोड़ा सा रूम बड़ा कर देते हैं और हल्का सा हम इक्यू कर देते हैं। और ओके ठीक है, पहले इक्यू कर लेते हैं, हाई पास फिल्टर एंड प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मेरे को सच्ची नहीं पता ये ब्लिंक क्यों कर रहा है स्क्रीन, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स कभी भी प्रोफेशनल सेटअप में। ओके, सो राइट क्लिक क्रिएट ऑटोमेशन, अब मैं क्या करूँगा और धीरे धीरे ना इसको बड़ा कर दूंगा, एकदम हॉल में चला जाएगा, मतलब मैं डीके बढ़ा दूंगा। डीके बढ़ा देने से क्या होता है
कि रिवर्ब आपका उतना लंबा टिकता है, ठीक है। सो मैं इसे ज़्यादा तो मैं नहीं बढ़ाता, 4 सेकेंड इज़ गुड। तो कॉपी वैल्यू कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट वैल्यू जहाँ से कॉर्ड्स स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो नोटिस करना। सुन भी लेते हैं साथ में कैसा लग रहा है। तोहरा बिना रहे नी रहब का, गम हमरा जैसन तू सब का, जान से ज्यादा माने नी तोह के, जैसन हम चाहे नी तू चहब का। यहाँ से मेरा चाह रहा है कि एक छोटा सा ड्रॉप आए का, कुछ इस टाइप का। ये थोड़ा ना अच्छा लगेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा, इसको भी हम ना एक म्यूजिक का ना पार्ट बना देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है का, सो ये बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को, भले ही जो भी मैंने गाया खुद के मुंह से खुद की तारीफ। कुछ ऐसा कर देंगे। ओके, एंड इसे अपन छोटा कर देंगे इस तरीके से, एंड इसे कर देंगे मेक यूनिक एज सैम्पल, ताकि इतना ही पार्ट अपने को मिल जाए, ठीक है। तो मेक यूनिक एज सैम्पल ये रहा। ओके, ये हो चुका है, छोटा सा पार्ट मिल गया वन शॉट की तरह, ठीक है। अब हम इसे खोलेंगे न्यूटोन में, इस पर क्लिक किया, करेक्ट सैम्पल एंड द न्यूटोन इज हेयर, कंट्रोल ए, और मैं यहाँ पे कैची पे आऊँगा, स्केल पे आऊँगा। कौन सा स्केल है भैया अपना, तो ए माइनर, ये माइनर वाला सेक्शन ए माइनर, एंड यहाँ पे कर दूंगा स्नैप टू स्केल, ठीक है। कंट्रोल ए दबाऊंगा इस पर, कंट्रोल ए, एकदम वेरिएशन डाउन, ट्रांजिशन डाउन, सेंटर में एकदम इसे ले आए, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा हो गया ना, उसका दम मर जाए। चलो ये ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, अच्छा है। एंड इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको एडिशन में रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले का, ये जो है एडिशन ले लेते हैं, एंड रिकॉर्डिंग में यहाँ क्लिक करके बस स्पेस दबा देंगे इसका, न्यूटन का। ओह सॉरी, मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया, कोई बात नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं न्यूटन को, एडिशन में रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे हम कर देते हैं, और एग्जैक्ट इससे हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से। किस पे चला गया, 2 नंबर पे कैसे चल गया। ओके, इसे रूट टू फ्री मिक्सर ट्रैक कर देंगे, एंड इसे छोटा कर देंगे, क्या बोल रहे, छोटा कर देंगे, वॉल्यूम कम कर देंगे, और इसको दे देंगे वोकल चॉप, चॉप्स, ठीक है। ओके, एंड इसे डबल क्लिक करके इसके पिच को फुल कर देंगे हम लोग 1200%, ठीक है। एंड इसमें ना बहुत सारा रिवर्ब चाहिए अपने को, पहले EQ ले लेते हैं, ये सब म्यूजिक का पार्ट है मेरे भाई। थोड़ा सा कंप्रेशन कर देंगे, प्यारा सा कंप्रेशन लिमिटर से, ताकि पीक्स कंट्रोल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अपन इसे कंप्रेस कर देंगे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा रिवर्ब डाल देंगे, बोले तो थोड़ा नहीं एक्चुअली लार्ज, डीके टाइम बढ़ा दे थोड़ा, इसका ड्राई सिग्नल कम, ठीक है, देखते हैं। चाहे नहीं तू चहब का, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ से फिर अपन बीट ड्रॉप करेंगे, एंड जो अपना लीड वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज़ दैट सहनाई, क्योंकि लीड अगर रिपीट होता है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बाकी आपकी क्या रहती है राय, हमें ज़रूर बताएं, क्या बात है।
अरे भाई साहब ये तो खतरनाक लगेगा। ओके बेस अलग बनाएंगे मेरे भाई, कॉर्ड्स वही रहने देते बट बेस तो अलग हम बनाने वाले। ओ क्या बात है, मजेदार मजेदार मजेदार। एक किक ले लेते हैं, किक आ जा मेरे भाई। ज्यादा हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। एक किक ले लेते हैं ड्रम वाला। एंड आई थिंक कि इस जगह पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये किक है ना अपना, तो पहले इसको हम राउट कर देते हैं ट्रैक मोड ऑडियो साइन, नए चैनल में हमने कर दिया ड्रॉप, और इसको कर देते हैं ऑटो नेम। तो ये अपना किक है, ठीक है। और यहाँ पे आके अपन इसका नाम ना प्रॉपर किक ही रख देते हैं, नंबर वंबर अच्छा नहीं लगता। एंड धीरे धीरे इसे उठाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को मांगता है ना कि थोड़ा EQ, सिंपली मैं 40 हर्ट्ज प्लस 18 किलो हर्ट्ज लगा दूंगा, ठीक है। ओके एंड एक सॉफ्ट क्लिपर डालते हैं ताकि हमारा ना हल्का सा पैर सा क्लिपिंग करा के हम इसे टाइट कर दें। ओके बहुत पैटर्न आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो बीट का, ढंग तक ढंग ढंग तक ये भी कर सकते हो, या तो ढंग 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 ये भी चलेगा। और ये रिवर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई, रिवर्ब हो रहा है किसके वजह से, ऑफ कोर्स इनके वजह से हो रहा होगा, ठीक है। कोई नहीं, मैं रिवर्ब थोड़ा कंट्रोल कर देता हूँ। सो डीके टाइम और वेट खेल रहा होगा इस चीज़ को ना। सो मैं यहाँ पे यहाँ से बंद इसका रिवर्ब ना, ये वाला सहनाई में ये कनेक्टेड है ये तीनों चीज़, सो इन दोनों के वजह से ना यहाँ पे भी रिवर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे मैं होल्ड करके ना थोड़ा कम कर देता हूँ, और आगे जाके उठा देंगे उस चीज़ को, ठीक है। ओके डीके टाइम तो हमको लगता है ठीक होगा। तोहरा बिना रहे नी रहब का, गम हमरा जैसन तू सब का, जान से ज्यादा माने नी तोह के, जैसन हम चाहे नी तू चहब का। ये पैटर्न भी अच्छा है, बाकी एज योर विश, अगर आपको कुछ और पैटर्न जम रहा है तो सारा पैटर्न ही चलेगा। धिंग ता धिंग धिंग ता वो भी अच्छा है। ये भी चलेगा, और आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो। मेरे को यूजुअली ये पैटर्न पसंद आ जाता है। ओके यहाँ पे प्लक भी कुछ ज़्यादा ही प्लक है कि क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ तो गेम खेल रहा है। ओके यस प्लक ही है वो, प्लक का भी रिवर्ब बहुत ज़्यादा आ रहा है ये डीके टाइम के वजह से। सो मैं इसे यहाँ पे ना एक और क्रिएट करके यहाँ तक लाता हूँ। पहले इसे कॉपी किया, ऑटोमेशन के साथ खेलना ही असली गेम होता है म्यूज़िक में। यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं प्लक ना इतना नहीं रखूँगा, इतना रिवर्ब मैं नहीं रखने वाला हूँ। इससे आप बेसिकली रिवर्ब का टाइम आप सेट कर रहे हो, डीके टाइम जो होता है ना रिवर्ब में, वो आप यहाँ से सेट कर रहे हो डायरेक्टली। सो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये अलग गंदा किए हुए हैं, यही होता है ऑटोमेशन में मेरे भाई। चलो यहाँ पे अपन ये उठा लेते हैं, वेट लेवल जो है इसी को कंटिन्यू रखेंगे जितना कम रख सके। ये दोनों उठा लेते हैं, वेट लेवल, ये वेट लेवल और डीके टाइम ही रिवर्ब का पार्ट है। ये तो EQ है, देखो बैंड फिल्टर है ना, तो ये EQ है। सो अपन क्या करते हैं ना, इसी को ऐसे पकड़ा और आगे की ओर चले जाते हैं इस तरीके से। काफ़ी सही साउंड कर रहा है। एक किक यहाँ आएगा, किक 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 आएगा भैया। सही है। है ना, अब थोड़ा ना बेस डालना बनता है, ठीक है। बेस तो बनता है डालना इस पार्ट में,
ऑल में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अपना बेस वाला पार्ट है, ये वाला है, ठीक है। अब मैं इस बेस को ना सिंपल रखने वाला हूँ, वही बेस रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस इस तरीके से, इस तरीके से, फिर कंट्रोल है इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल है। अब यहाँ पे सिंपली हम बेस को ड्रॉप कर देते हैं इस जगह पे, हाँ, इसे मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ, बाद में अगर मेरे को चेंज करना पड़ा तो मिडी फॉर्मेट में। ओके, इसकी वॉल्यूम मेरे को कम करनी पड़ेगी क्या, थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर। तन हम चाहे नहीं तो चहबुका, ये क्या जो हो रहा है, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम। तन हम चाहे नहीं तो चहबुका, तन हम चाहे नहीं तो चहबुका, नॉट बैड। ओके, सो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं अपन, कि कुछ हाई-हैट्स दे सकते हैं, शेकर्स दे सकते हैं, है ना, शेकर्स थोड़ा लेके देखते हैं कैसा लगेगा, ठीक है। हमने शेकर्स को यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ना इसे डालते हैं, कुछ इस टाइप का अच्छा लगेगा, स्टेप पे कर देते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा, है ना, अच्छा लगेगा, मेरे को तो पसंद है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में डालें, कैसा लग रहा है म्यूज़िक, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करें। इस तरीके से हमने डाला, ओके, सो इसे डबल क्लिक करते हैं। ओह, मैं ऐसे नहीं राउट कर रहा, यहाँ से मैं राउट कर रहा, ऑर्गेनाइज करते हुए। सो ट्रैक मोड, ऑडियो असाइन डाल देते हैं 8 नंबर पे और इसे कर देते हैं ऑटो नेम, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं। और ये जो बीच में बज रहा है ना, इसे ना लेफ्ट राइट करते हैं। तो एक अपना प्लगइन है एफएल का, खुद का पैनोमैटिक, क्लिक किया, पैन पे गए, स्पीड बढ़ाया, ये बढ़ाया, हाँ प्यारा लगेगा। जल्दी जल्दी करना है तो स्पीड अपना बढ़ा दीजिए, ठीक है, ओके। मैं इसे आगे रखने वाला हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे एक क्लैप भी ऐड करूँगा ताकि थोड़ा सा और जान आ जाए ट्रैक में, है ना, ये देखो। और इसका नाम ना फिर नंबर में सिर्फ शेकर्स लिख देते हैं और एक EQ दे देते हैं, पता नहीं आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं। ओके, सही है। और यहाँ पे अपन क्लैप भी डालेंगे, क्लैप क्लैप क्लैप, और कुछ है क्या। ओके, चलो इसी को यूज़ करते हैं, बट मेरे को थोड़ा रियल हैंड क्लैप मिल जाता ना तो जमता, रियल हैंड क्लैप है ही नहीं, रियल क्लैप लिख के देखे क्या। हाँ ठीक है, ये ठीक है यार, एक बार ये भी देखे क्या, हाँ ये भी अच्छा है, नॉट बैड, डाल के देखते हैं, थोड़ा पॉप हो जाएगा, इसी को लेके देखते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं। ये थोड़ा सा सही लगा मेरे को। ओके, कुछ ऐसा बना देते हैं, एक किक पे रखेंगे, एक किक पे नहीं रखेंगे, अल्टरनेट रखेंगे अगले किक पे, फिर एक किक छोड़ा, फिर एक किक पे रखा, कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, एंड राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक किया,
ओह मैंने फिर वही काम कर दिया, आदत हो गया यार। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, अगेन ऑडियो ट्रैक, 9 नंबर पे डाला, ऑटो नेम किया। इसका करने का बेनिफिट ये है ना कि जो ऑटोमेशन हम करेंगे ना, जैसे कॉर्ड्स पे ऑटोमेशन किए, ये इसी के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। ठीक है, ओके, सो इसका नाम क्लैप है, तो यहाँ पे मैं इसे क्लैप कर देता हूँ। थोड़ी वॉल्यूम मैं कम करूँगा ऑफकोर्स। ओके, थोड़ा मैं इसके डायनमिक्स को कंट्रोल करूँगा क्लैप के। एक रिवर्ब भी मांगता है यार ये। वेन्यू वाला प्रीसेट कैसा रहेगा? नॉट बैड। एक बार सुनते हैं शुरू से कि हमने क्या बनाया है यहाँ तक। और यार ये वोकल, वोकल मेरे भाई तोहरा ना चलेगा भाई, तू ना चलेगा ऐसे। इस पे ना कुछ डालते हैं यार, वेव्स का ट्यूनर डाल के कुछ देखते करने का कोशिश। वेव्स ट्यूनर कहाँ है, दिख रहा है क्या? और हाँ, जो प्लगइन आपको बता रहे थे ना कि नॉइज़ एकदम ख़त्म कर देता है, एसी वगैरह का आवाज़ हटा देगा, सो वो क्लैरिटी VX है, क्लैरिटी VX इसका, ये वाला प्लगइन है, लास्ट टाइम दिखाए भी थे आप लोग को हम। सो इसको थोड़ा ना आप ऑन कर लो तो जो भी अगल बगल के नॉइज़ है, एम्बियंस है, हट जाएंगे। ठीक है, अगल बगल कहीं ट्रक चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो उसका आवाज़ ये हटा देगा। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, रीनेम का है, लिख देते हैं कि ये क्लैरिटी VX है। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जा। यार ट्यून करना ही पड़ेगा, बहुत बेसुड़े हैं। वेव्स ट्यूनर स्टीरियो, ठीक है, मैं ऑटो ट्यूनर की तरह इसे यूज़ करूँगा। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा माने नी तोह के जैसन हम चाहे नी तू चहबू का। मजा आ गया यार सच्ची। ए नेचुरल माइनर सेलेक्ट ऑल, एंड मैं क्या करूँगा, स्पीड को थोड़ा कम कर दूंगा, ट्रांजिशन सेट कर दूंगा, अप्लाई। तोहरा बिना रहे नी रहबू का ट्यून फुल करे क्या? तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा माने नी तोह के जैसे। फिलहाल मैं इसे भोजपुरी टाइप रखने वाला हूँ, एंड द थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक ऑटो ट्यूनर भी मांगता है, ऑटो ट्यूनर, ठीक है। सो ए माइनर में डाल के हल्का सा रिवर्ब डाल देंगे, ठीक है। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा मान। हल्का कंप्रेस कर देते हैं। बिफोर डूइंग दिस मेरा आवाज़ कुछ क्रैक क्रैक सा हो रहा है, ऑप्शन में जाते हैं, ऑडियो सेटिंग्स में जाते हैं, एंड थोड़ा बफर लेंथ में बढ़ा देता हूँ, मे बी इसके वजह से हो रहा हो, ठीक है। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा माने नी तोह के जैसन हम चाहे नी तू चहबू का। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू। ओके, थोड़े देर के लिए मैं कुछ भी लगा दे रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं इसे मिक्स नहीं कर रहा, थोड़ा सा लगा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा था। सबू का जान से ज्यादा माने नी तोह के जैसन हम चाहे नी तू चहबू तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम हमरा जैसन तू सबू का जान से ज्यादा। तोहरा बिना रहे नी रहबू का गम
हमरा जैसन तू सब का जान से ज्यादा माने नी तोहके जैसन हम चाहे नी तू चाहबु का ओके गाइस, सो हमने यहाँ तक जो बना लिया है अभी, अब इसके आगे कुछ करते हैं। लाइक आगे का लिरिक्स क्या था मेरा? जादू तो हम पे चले वो का, ऐसे था कुछ। ऐसा कर देंगे यहाँ पे, जादू तो हम थक थक, ऐसा कुछ करते हैं, थक थक, मजा आ जाएगा यार सच्ची। और यहाँ से ना ड्रम्स को ना अपने थोड़े हार्ड कर देंगे, ठीक है? अभी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चल रहा है। सो एक क्लैप लेते हैं, क्लैप, ये वाला क्लैप ले लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। कहाँ तक आएगा जादू तो हम पे देखते हैं। जादू तो हम थक 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 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है। क्लैप क्लैप ऐसा चलेगा, मस्त लगेगा। स्नेयर के साथ भी लेयर कर सकते हैं हम, अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ये लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है मेरे भाई? किसी में तो घुस गया ये, किस चैनल में चला गया? 8 नंबर में। इसको मैं न्यू चैनल देता हूँ, ऑडियो ट्रैक एंड दी 10 नंबर, ठीक है। और इसको ऑटो नेम कर देते हैं। हाँ, सही लग रहा है। और ड्रम्स तो मैं ऑफ कोर्स इसी को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे हो सके तो हाई-हैट्स भी डाल दूँगा। अब इसी ड्रम्स को उठा के कॉपी करते हैं और इसका मिक्सिंग मास्टरिंग पे बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊँगा क्योंकि मेरे को तो मज़ा आ रहा है सुनने में। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब प्लग भी कॉपी हो जाएगा तो प्लग भी मैं इसी को रखूँगा, इसी प्लग को रखूँगा एंड बेस भी मेरा यही रहेगा, ठीक है, कॉर्ड्स भी यही रहेगा। आगे की ओर ले आते हैं इस जगह से। हाँ, ओके, मैं यहाँ पे कट कर दूँगा इस तरीके से और यहाँ पे भी मैं इस प्लग को कट कर दूंगा और इस पार्ट को खाली रखूंगा, ठीक है। जादू तू हम पे मैं खाली चाहता हूँ, जादू तू हम पे चले, सॉरी मैं बीट पे नहीं गाया, जादू तू हम पे चले अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से बस क्लैप को ना हार्ड कर देते हैं, ये जो क्लैप है हार्ड कर देते हैं इस तरीके से, मस्त लगेगा। थोड़ा इसका लाउडनेस ज्यादा है तो इसे कम कर देते हैं, इस पे लिख देते हैं क्लैप टू। और आई थिंक इसमें ना स्नेयर को भी लेयर करना चाहिए यार, स्नेयर लेयर नहीं है, स्नेयर देख लेते कोई स्नेयर, ये वाला सही है, ठीक है। इसे भी राउट कर देते हैं न्यू चैनल में। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा बोरिंग लगता है राउट करना इस साइड से, सो ट्रैक मोड ऑडियो साइन, बट इसी को करना यार बहुत काम आता है, ऑटोमेशंस में बहुत हेल्प कर देता है ये चीज़, ठीक है। सो इसका भी कम कर देते हैं, लिख देते हैं स्नेयर टू, सही है इस तरीके से। और किक मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से किक मैं थोड़ा हार्ड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं किक थोड़ा हार्ड करना सच्ची चाहता हूँ, हाई हैट्स डालूंगा, पहले हाई हैट्स डाल लेते हैं, हाई हैट्स, ठीक है। सो और कोई है, इसको डाल देते हैं इस तरीके से, पकड़ा न्यू पैटर्न में गए और यहाँ पे हाई हैट्स इस तरीके से, ठीक है। इस पर लिख भी देते हैं कि हाई हैट्स है भाई, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये रहा हाई हैट्स, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये अपना हाई हैट्स है और इसे मैं डायरेक्ट राउट कर देता हूँ न्यू पे, ठीक है, ओके, ठीक है।
सेम को कॉपी आगे करेंगे, देख रहे हो, एक बार बना लिया बस, फिर उसके बाद तो ऑटोमेशन से भी खेल सकते हो। एनर्जी नहीं डाउन होने देना गाने का, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ बेस हटा देते हैं, कॉर्ड्स हटा देते हैं, एंड सिर्फ हम लोग ये वाला रखेंगे प्लग, और यहाँ पे ना ऑटोमेशन डाल देंगे, शुरू में जो हमने डाला था ना ऑटोमेशन, ये वाला ऑटोमेशन इसे डाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं इसी को आगे कॉपी करके डाल दूंगा इस तरीके से, जो ऑटोमेशन पहले में था। ओके, सो यहाँ पे लिरिक्स कैसे आएगा देख लेते एक बार। जादू तू होंगे तो नहीं होगा, एक थरिया में संगे खाएगा, पापा के परी हो जाना तब सब है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। सो इस बीट को अभी मैं कंटिन्यू रखूँगा, नॉट राइट नाउ, इस तरीके से नहीं करना मेरे को अभी, तो आगे इसको यहाँ तक रखते हैं बीट कम से कम। ओके, हल्का गुलाबी आंखें वाला जो सुर है थोड़ा सा मेरे को वो चाहिए, पूरा नहीं चाहिए मेरे को, हल्का सा उसका मेलोडी लेंगे, पता भी ना चले ऐसा, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप ये और आगे बढ़ेगा यहाँ तक। ओके, मैं बेस कंटिन्यू रखूँगा इस जगह पे, यहाँ कॉर्ड्स हटा देते हैं। ये एक दो तीन चार होना चाहिए ना, यहाँ से न्यू पैटर्न स्टार्ट होना चाहिए, कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे सही है, बेस थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया था, चलो कोई नहीं, उसको मिला देते हैं, मिला दिया बेस को, और इस वाले को भी मिला देते हैं, सब आगे पीछे हो गया यार, कोई बात नहीं। जादू तो हम पे चले से रिपीट करेंगे इसी चीज को, सेम चीज रिपीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्लैप देते हैं, बस मस्त लगेगा, धड़ा 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 क्लैप, छोटा वाला क्लैप जो है, ओके यहाँ पे रखते हैं क्लैप वाले सेक्शन में, ये है ना क्लैप का, क्लैप का ये रहा, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, ये जमेगा इस तरीके से करते हैं। छोटा क्लैप भी रख सकते थे, बड़ा भी रख सकते हैं, जो हार्ड क्लैप है हार्डी क्लैप रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से अपन रख देते हैं, अच्छा लगेगा। एंड ये यहाँ पे ड्रॉप देते हैं, मस्त बड़ा सा ड्रॉप देते हैं, फिर अगेन सब कुछ तैन, वही लीड जो है अपना पुराना वाला वही चलना चाहिए, या तो लिरिक्स पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, या तो चलो लीड म्यूजिक जो है उसी को डालते हैं, आगे के अरेंजमेंट सेक्शन में देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं फाइनल में। ओके, सो इसका मिक्सिंग मास्टरिंग का लेक्चर डालना है कि नहीं, नहीं प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, क्या आपके मन में डिमांड है क्या नहीं है, मेरे को पता होना चाहिए, फिर उसी हिसाब से मैं करूँगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर डालें कि यस यू वॉन्ट दी मिक्सिंग मास्टरिंग वीडियो ऑफ दी भोजपुरी सॉन्ग, अगर पसंद आ रहा है तो।
और इससे सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग आप सॉरी इससे सिर्फ आप ना भोजपुरी सॉन्ग नहीं सीखे हो, हिंदी बनाने का भी आजकल का तरीका यही है। यस एंड हेयर वी आर गोइंग टू ऐड दी बीट। तो बीट को हम लोग कॉपी एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार टाइम कॉपी ले लेते हैं। लेट्स सी, कॉपी हो गया, हो गया। चलिए जी, यहाँ पे अपना काम अब ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे किक ना चेंज करने का सोचा था, बट ये किक अब जम रहा है मेरे को, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द किक। मेरे को ठीक लग रहा है, अगर मेरे को वैसा अगर लग रहा है दिक्कत, सो मैं किक के साथ थोड़ा EQ कर दूंगा ताकि मैं वो जो हार्ड पार्ट है उसे मैं ग्रैब कर सकूं। ओके, मेरे को ये ऐसे ही ठीक लग रहा है, बट चलो कोई नहीं। और भी बहुत चीज़ें कर सकते थे हम लोग, जैसे गिटार वगैरह ऐड कर सकते थे, जैसे इस जगह से हम लोग गिटार ऐड कर सकते हैं। कड़ी देते हैं, कड़ ही देते हैं। तो ऐड में गए, मोड प्लग इन एंड दी कॉन्टैक्ट 7। गिटार हम लोग कोई भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। सुन लेते हैं कि कौन सा गिटार अच्छा लगेगा, उसी को डालेंगे। पॉप टाइप का कुछ ढूंढते हैं, पॉप पॉप, कोई भी पॉप चलेगा। लेटिन पॉप कैसा है देखें, अच्छा लग रहा है ना। इसको ले लेते हैं 2 नंबर। एंड सिंपली इसमें कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के प्लगइन में, सीधे बस कॉर्ड्स को पेस्ट कर देंगे तो अपना हो जाएगा। तो कॉर्ड्स क्या क्या है, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए जी एफ जी, ए जी एफ जी, ए जी एफ जी, याद रखेंगे। ओके, ए जी एफ जी, गिटार ठीक है, जी ए जी एफ जी, देन उसके बाद ए जी एफ और जी, ठीक है। लगा के सुनते कैसा लग रहा है। ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, यहां से गिटार डालते हैं, ये मस्त लगेगा। इस पे लिख देते हैं गिटार 1, एक अपना हो गया गिटार 1। से कोई कलर दे देते हैं, पिंकी पिंक, पूरा पिंक नहीं हुआ, कोई अलग ही कलर हो गया है, ठीक है। एक तो ये ले लेते हैं गिटार, और एक और गिटार ले लेते हैं अपन, प्लगइन चेंज कर लेते हैं ना, प्लगइन चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स सी इसमें और हम लोग कॉन्टैक्ट्स में क्या ले सकते हैं। एक और है मेरे पास गिटार, एकॉस्टिक, अच्छा अच्छा प्लगइन है, काफ़ी सही प्लगइन है। लेटिन लवर अगेन देखते हैं, हाँ अच्छा है, ठीक है। इसे एक बार लगा के देखते हैं, लगने के बाद पता चलता है कि ये कैसा साउंड है, कैसा साउंड कर रहा है, सॉरी साथ में। सो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, बहुत प्यारा, और ये गलती से फिर गलत जगह असाइन हो गया है, इसे असाइन कर देते हैं। ऑडियो एक नए ट्रैक में, ट्रैक मोड, ऑडियो ट्रैक एंड दी 13 नंबर, ठीक है। ये गिटार हो गया है, यहाँ पे गिटार 1 हो गया, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है। एंड जी स्ट्रमिंग वाला जो गिटार है, ये वाला, इस पर लिख देते कि गिटार स्ट्रम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसे भी रेंडर एंड रिप्लेस अपन कर देते हैं, सही होगा,
ठीक है। और ऐसा देखो एक चीज समझना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने यहाँ लगाए वो आगे या पीछे हर जगह लगे ही होने चाहिए, ठीक है। हल्का ना खुला छोड़ो ताकि मजा आना चाहिए, एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। एनर्जी होगा ही नहीं तो कहाँ से गेम खेलोगे, है ना। गेम तो पूरा एनर्जी का ही होता है ना म्यूजिक में, ठीक है। हल्का ये वाले गिटार के पार्ट को यहाँ डाल देते हैं, मे भी अच्छा जम जाए। जब तू हम पे चले, मस्त लगा यार। ओ अच्छा लगेगा ये। और कैसा होगा अगर हम इसे कट कर दे एंड इसे कर दे मेक यूनिक एस सैंपल ये वाला चीज, और इसे रिवर्स कर दे, ऐसा मजा आ जाएगा यार। सुनना पड़ेगा उसके लिए, मजे के लिए। ओके ओके या तो यहाँ पे रखते हैं एक इस तरीके से, और एक इसका यही छोड़ देते हैं। मे भी सही जम गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ट्रैक हिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब भैया आपको अब आगे बढ़ने से करियर में कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो अगर यहाँ तक देख रहे हो लगातार तो। ओ भाई साहब क्या सही है यार। ये पार्ट हमको पसंद है, ठीक है। हल्का सा हाईज सॉरी लोज को काट देते हैं बेस को। एक यहां लगाया और हल्का फेड कर देते हैं। ओके ओके इसे हम अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और नो नीड ऑफ दिस। और इस जगह पे अपन वो जो वोकल चॉप किए थे ना छोटा सा प्यारा सा ये गुलदस्ता, इसे यहाँ पे लगा देते हैं स्टार्ट होने के पहले, अच्छा लगेगा। लेट्स लिसन दिस। चलिए आज भर के लिए बस इतना ही। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है ताकि मैं आने वाले वीडियोस में मैं उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। बाकी जाते जाते एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए वो अभी कभी जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस साल जो कोर्स का फी है इस बैच में जो फी रहेगा मात्र 20,000 रुपये रहेगा। आने वाले टाइम में ये 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा और ये साल के एंड होते होते हो जाएगा। सो अगर आप इस समय हमसे हुए तो अभी कभी जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर ही लो। वेट मत करो यार, बहुत सारी चीजें सोचो। यूट्यूब पे ये बता रहे तो पर्सनल क्लास में क्या से क्या बता देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रणाम।